So guys, welcome back to the channel. Today is 18th of March and time is somewhere around 5 o'clock in the evening. और गर्मी देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है फिलहाल. अभी भी धूप पूरा उगा हुआ है, देख लीजिए सूरज देवता यहाँ से यहाँ पे है. अभी बहुत ज़्यादा धूप है और गर्मी से तो हम बेहाल हो चुके हैं. और यहाँ पे ऑफ रोडिंग स्टार्ट होते हुए पार होगा, कहाँ से पार होगा भाई. तो देख ठोकिए दिया था अभी तो, रुको उतारने दो, पार करो पार करो. सकेगा, होश में है कि नशा में है. हमारे साथ आज है नागपुरी सुपरस्टार दिलीप डीपी और पीछे धनंजय. तोड़ दिया का इधर, कहाँ जा रहा हूँ दूसरा एरिया है तो वहाँ चलेंगे. सो बेसिकली गाइस, हम लोग आज यहाँ पे हमारे एक फ्रेंड हैं, उनके रिलेटिव से मिलने आए हैं. वो लोग यहाँ पे ईंट बनाने का काम करते हैं एज अ लेबर. अभी तो टाइम इस समय मेरा अराउंड 5:30 और अभी भी इतनी गर्मी है कि आप पूछ नहीं सकते. हम लोग तो इस टाइम पे घर से बाहर भी नहीं निकलते लेकिन ये लोग अभी काम कर रहे हैं. चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये लोग कैसे जगह पे रहते हैं. अभी हम आपको ले जाते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे ये लोग रहते हैं. ये छोटा सा घर, यहाँ छोटा सा पेड़ हैं. आइए, कैमरामैन दिलीप डीपी आ रहे हैं. यहाँ पूरा अंधेरा है, लाइट जला, लाइट जला, फ्लैश जला, काटो. यहाँ पे देख सकते हैं इधर इन लोगों का बर्तन वर्तन है, ये लोग इसी में खाना वाना बनाते हैं. छोटा सा घर, ऊपर छत देख सकते हैं. ये भी ये छत भी आप देखिए, बांस के, बांस से बना हुआ है सब, लकड़ी का है. छोटा सा घर है, इस पर तो आदमी ढंग से मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ. देख सकते हैं आप कैसे लोग रहते होंगे. गर्मी बहुत गर्मी करता होगा ये तो. बाकी ये लोग ज़मीन में ही सोते हैं. चलिए अब बाहर निकलते हैं, अभी आपको दिखाते हैं कि लोग काम कैसे करते हैं, क्या क्या ईंटा कैसे बनाते हैं. सील है, यहाँ मसाला पीसा जाता है खाना बनाने के लिए. इधर सोलर पैनल, बैटरी चार्ज होगा, रात को लाइट इसी से चलेगा. यहाँ एक छोटा सा मंदिर है, पूजा वूजा यहीं करते हैं लोग. तो मौसा जी यहाँ पूजा करते हैं, इन्हीं से मिलने आए हम लोग आज यहाँ. चलो बढ़ते जाओ, आगे बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, मजदूर मजदूर ना. ये जो पूरा ईंट दिख रहा ना, ये एक ही दिन में पूरा बनाया गया पूरा ईंटा. ये पानी है इन लोग का, ये इस पानी का इस्तेमाल करते हैं. ये रेत वाला मिट्टी है, इसको ईंटा में मिलाया जाता है ताकि ईंटा फ्रेश रहे. पानी वाला, यहाँ से पानी पीते हैं, पानी पीने के लिए रखे हैं. मिट्टी ला दो भैया, मिट्टी ला दो. चलो लेबर नंबर एक, लेबर नंबर दो, चलो काम में लग जा. थोड़ा सा अच्छा से काम बढ़िया होना चाहिए. दिलीप ले जाएगा, उतना सक जाएगा ना. देख सकते हैं आप नागपुरी सुपरस्टार अपना गाना बनाने के लिए पैसा कहाँ जुगाड़ करता है. चलो चलो चलो, लेट मत करो, लेट मत करो, टाइम कम है, जल्दी ज़्यादा ईंटा बनाना है समय से. भारी है, देख कितना मेहनत लगता है बताओ. अभी यहाँ पलटना है, थोड़ा सा ऐसे पलट दो. हाँ तरीका है ये, हाँ पलट दो, बहुत सही जी. अभी कच्चा कच्चा ईटा है, अभी ये लोग बना रहे हैं. ये परसों तक सूख जाएगा ईटा पूरा. एक दिन में 1500 से 2000 ईट बना लेते हैं लोग, बता रहे जैसे. अभी चलो ये है, ये सांचा है, सांचा अच्छा सांचा बोलते हैं. ये है सांचा, इसमें ये वाला मिट्टी को ना, ये मिट्टी को इसमें भरा जाता है. जैसे कि वहाँ पर लोग भर रहे हैं, वहाँ पर मिट्टी को भरा जाता है. इसमें ये टैग होता है, ये वाला टैग होता है. यहाँ पे जो अपना, जैसे कि डीपी दिलीप अपना ईंटा बनवा रहा था, यहाँ डीपी दिलीप लिखवा सकता है. ये वाला बनता है, इसका जिसमें मिट्टी डालते हैं और उसके बाद ये ऐसे पलट दिया जाता है. संतोष बना रहे हैं ईंटा. ये है प्रो वाला ईंट, ये नूब वाला ईंट. थोड़ा पलटी है, थोड़ा दूर है, पलटी है.
बहुत हार्ड ये देख के जाए कि भैया का इट्टा है जो कि टेढ़ में हो गया। दोबारा प्रयास करते हुए एक बार हम लोग का प्रयास फेल हो चुका है पूरा काट रुक जा हाँ काट हाँ आओ काट हाँ और हाँ वो मकास का पटक मकास के हाँ अभी नहीं जाएंगे इधर ही काम कर लेते हैं आराम से निकाल आराम से बस आराम से वाह वाह आ जाएगी बहुत मेहनत का काम है मेरा कमर दर्द करने लगा है सही छोड़िए अब अभी दीपू इसलिए बना रहा है दिखाइए कैसे बनाता है ये भी नूबे है वहीं रखो ना उसको साँचा को वहीं रखो ना तुम तो नूब है हमसे भी रहे ठीक है ठीक है तुम पास हो गया ये वाला पूरा मिट्टी अभी रात भर में खत्म कर देंगे मिट्टी मेहनत का काम है ये इतना मिट्टी फैलाते हैं कि लोग 2000 ईंट निकाल सकते हैं देख सकते हैं आप ये पूरा ईंट आज एक ही दिन का बना हुआ है ये ईंट जब सूख जाएगी उठा के इसको इस तरह से सजाएंगे यहाँ से लोग अलग लेवल लोग आएंगे उसके बाद लेबर सीधे उठा उठा के वहाँ पे लेके जाएगा इसके बाद जैसे कि आप वहाँ देख रहे हैं ऊपर से लेबर लोग ईंट को मिट्टी के पास ले जाएंगे फिर वहाँ से पकाया जाएगा फिर ट्रैक्टर में आएंगे लोग उसके खरीद कर अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अभी जाएंगे घर यहाँ से इन लोग कैसे काम करते हैं मिल विल लिए मिठाई उठाई लाए तो दे दिए इन लोग को बाकी हम लोग अभी निकलेंगे घर लेट हो रहा है निकलना भी ज़रूरी है अंधेरा हो जाएगा तो ये हम बच्ची हमारे लिए चाय बना के लाई है थैंक यू चाय कैसे बना चाय बहुत बढ़िया है टेस्टी है मीठा है ठीक है अभी हम लोग यहाँ पीठा बना रहे थे फिर से ऑफरोडिंग शुरू होते हुए हम लोग ऑफरोडिंग ख़त्म करके अभी रोड पे मेन रोड पे आ चुके हैं बाकी इधर अच्छा रहा आज का सफ़र क्या बोलेंगे मिलना था मिल लिए अच्छा लगा उन लोग से मिल गए उन लोग बहुत मेहनत करते हैं ये भी देख के अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात तो दे बिलोंग फ्रॉम छत्तीसगढ़ तो इस बात का बहुत अच्छा लगता है कि लोग हैं छत्तीसगढ़ से और इतने मेहनत करते हैं लड़के लोग फ़ोटोशूट करा रहे हैं फिर से हम लोग अभी यहाँ फोटोशूट के लिए रुक गए हैं फिर लड़के लोग यहाँ फोटोशूट कर रहे हैं सब मन नहीं भर रहा है लोग का फोटो करने का कितना फोटो खिंचाएगा ये लोकेशन पसंद नहीं आया तो दूसरा लोकेशन पे हम लोग जा रहे हैं काफ़ी अंधेरा हो चुका है तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आर होम आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा हर तरफ जंगल ही जंगल हम लोग जंगल के बीच में रुके हुए हैं तो अभी हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं इधर पैकअप पैकअप चल रहा है सब हो चुका है आज का दिन इतना ही मज़ा आया आज मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत लो।